चलिए सो हेलो एवरीवन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कैसे करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ये सारी चीजें आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी लिया है और अरिथमेटिक मीन भी पढ़ लिया है तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता था कुछ नंबर्स के बीच में तब हम कहते थे कि दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिमिलरली यही सेम चीज फॉलो होती है ज्योमेट्री में भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी यही चीज सेम सेम चीज फॉलो होती है अगर नंबर्स दिए हैं लेट्स इट दो चार एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर एंड सोन इफ द नंबर्स आर गिवन लाइक दिस अब बताइए यहां पे कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है क्या okay. तो अगर आप इस सीरीज में ध्यान से देखें तो एवरी सक्सीडिंग टर्म इज एवरी सक्सीडिंग टर्म इज ट्वाइस द प्रिस टर्म मतलब तो हर नेक्स्ट टर्म और पिछले वाले टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है टू टाइम्स का टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू तो इससे पहले जो हमने सीरीज पढ़ी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें नंबर्स कुछ इस तरीके से होते थे जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता था अगर हम सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म करते थे तो यहाँ से जो डिफरेंस निकल के आता था दैट यूज टू बी सेम इन केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बट इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहां पे डिफरेंस सेम नहीं होता यहां पे रेशियो सेम होता है रेशियो किसका सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रिडिंग टर्म सक्सीडिंग टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म मतलब राइट right साइड पे आने वाला टर्म अपॉन लेफ्ट साइड पे आने वाला टर्म अगर हर केस में ये रेशियो सेम है विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन रेशियो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से ठीक है देन दिस इज नोन एज जी फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक है जीपी का मतलब गर्वप्रीत नहीं है जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक तो ये है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अब इसके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं यहां पे भाई पर so, अगर हमारे पास सीरीज दी है ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये सारी ही किसमें है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होगा सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म ए टू अपॉन एन बीवल टू एन ए टू विल अपॉन ए थ्री बस ये सारी चीज़ें यहां पे चलेंगी ठीक है अच्छा ये जो रेशियो होता है सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रिसीडिंग टर्म का जो रेशियो होता है इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं एंड दिस इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक ठीक अच्छा अब इसके बारे में और बातें करते हैं अच्छा अब देखो इसके कुछ फार्मूले होते हैं वो फॉर्मूले पहले समझ लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं तो so, फॉर्मूले जो है इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला जनरल टर्म जैसे एन टर्म निकालते थे ना या जनरल टर्म निकालते थे एपी में वैसे ही इसका जो जनरल टर्म होता है वो होता है ए आर टू माइनस वन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म जैसा एपी में होता था आर इज द कॉमन रेशियो एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स तो ए इंटू आर टू दाइनस वन दिस इज द जनरल टर्म ऑफ अ जीपी ठीक नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल इफ वी हैव टर्म्स लाइक ये थ्री नाइन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एट्टी वन सो ऑन एंड सो फोर्थ अगर यहां से आपसे कह दे फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर जीपी तो कैसे निकालेंगे टेंथ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर जीपी तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ए क्या है तो ए क्या है हमारा थ्री सो द वैल्यू ऑफ ओवर हेयर इज थ्री देन वील टॉक अबाउट कॉमन रेशियो जैसे एपी में करते थे सेम कॉमन रेशियो क्या आ रहा है यहां पे सो कॉमन रेशियो सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रिस टर्म नाइन अपॉन थ्री दैट इज इक्वल्स टू थ्री ट्वेंटी सेवन अपॉन नाइन थ्री एटी वन अपॉन ट्वेंटी सेवन थ्री सब में थ्री थ्री का रेशियो है ठीक सो आर की वैल्यू हो गई थ्री के बराबर नंबर ऑफ टर्म कौन से टर्म का निकालना है टेंथ टर्म का निकालना है तो एन की वैल्यू विल बी टेन इसका अगर जनरल टर्म निकालें टेंथ टर्म निकालें तो टेंथ टर्म किसके बराबर आ जाएगा ए इंटू आर की पावर टेन माइनस वन तो ये आ जाएगा थ्री की पावर टेन और बाहर ही जाएगा कैसे आ जाएगा ये थ्री की पावर वन ये थ्री की पावर टू ये थ्री की पावर थ्री ये थ्री की पावर फोर तो जो टेंथ टर्म होगा वो क्या होगा थ्री की पावर टेन मतलब जो मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ वही सत्य है झूठ नहीं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है नाइन की पावर नाइन कैसे आ जाएगा भाई है पगली हो क्या थ्री की पावर ए इंटू थ्री की पावर बी क्या लिखोगे नाइन की पावर ए बी हाँ थ्री की पावर ए लिखोगे हाँ जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स अलग अलग होती है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे कैसे हुआ टेन माइनस वन ये नाइन हो गया और यहाँ पे थ्री की पावर वन नाइन प्लस वन कितना हो गया टेन ठीक है सो दिस इज हाउ इट इज डन ठीक इसके आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे जैसे ये रहा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इसका नाइन्थ टर्म निकालना है एंड जनरल टर्म निकालना जनरल टर्म मतलब निकालना है और जैसे ही आप निकाल लेंगे, इसका निकालना है। ठीक है तो सीक्वेंस क्या दी है सबसे पहले बताइए इसका ए क्या होगा वॉट विल बी दर्स्ट टर्म वेरी गुड द फर्स्ट टर्म विल बी वन बाई फोर नॉक अबाउट द कॉमन रेशियो जिसमें सबसे ज्यादा भसड़ आने वाली है यहाँ पे सो so, रेशियो कैसे निकालेंगे रेशियो निकालने के लिए सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रिसीडिंग टर्म यह गलती किसी को नहीं करनी है कि प्रिसीडिंग पहले लिख लो सक्सीडिंग बाद में जो राइट right साइड पे आ रहा है वो ऊपर रहेगा जो लेफ्ट साइड right पे आ रहा है वो नीचे रहेगा राइट साइड पे आ रहा है माइनस का वन बाय टू डिडेड बाई वन बाय फोर अब यहां पे बच्चों को बहुत दिक्कतें आती है क्योंकि छठी सातवीं में बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं कहीं से डिवाइड करें कहीं से मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो गया वेरी गुड तो इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं माइनस वन बायू डिवाइडेड बाय वन बाय फोर ठीक है और जब डिवीजन का साइन हटाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के साइन में और राइट right साइड वाला विल बिकम रेसी तो वन बाय फोर का रेसी विल बी फोर बाय वन इसको अगर कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा माइनस का टू ठीक सो कॉमन रेशियो यहां से कितना आ गया कॉमन रेशियो आ गया यहां से माइनस का टू ठीक है तो आर पता चल गया ए पता चल गया जनरल टर्म निकालना है जनरल टर्म क्या होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन ये हो गया जनरल टर्म क्योंकि हमको पता नहीं भाई ये कौन सा वाला टर्म है? एन टर्म है बोल दिया अब इसी की जगह कह रहा है नाइन टर्म निकाल दो तो एन की जगह क्या हो जाएगा बस नाइन आ जाएगा सो माइनस टू की पावर नाइन माइनस वन तो ये हो गया वन बाई फोर इंटू माइनस टू की पावर एट ठीक है अब इसको सॉल्व कैसे करें इसका आंसर कैसे लाएं तो माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है नेगेटिव टू द पावर एन अगर एन यहां पे इवन होता है या फिर एन यहां पे ऑड हो सकता है तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो द फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो द फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बेसिक रूल बट क्रूशियल रूल जो बच्चों को नहीं समझ में आता ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखिए कि अगर पावर इवन है तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर में ही रहेगा ठीक है तो अगर पावर इवन है तो नेगेटिव को क्या बना देगा पॉजिटिव लेकिन अगर पावर ऑड है ठीक आपके ऊपर पावर ऑड है गलत तरीके की पावर है तो आप कैसे रहेंगे हमेशा नेगेटिव रहेंगे कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे ठीक है तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं टू की पावर इसको लिख सकते हैं टू की पावर माइनस टू इन टू टू की पावर एट क्योंकि नेगेटिव साइन तो चला ही जाएगा अगेन बेसिस आर इक्वल सो ऐड कर देंगे एक्सपोनेंट्स का लॉ लगा देंगे सो टू टू दावर सिक्स टू टू पावर सिक्स कितना आ जाएगा भाई सिक्सटी फोर सो द फाइनल आंसर विल बी 64. They are asking what is the ninth term. So the ninth term is 64. Clear है कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं ठीक तो इसी तरीके के simple simple चिंटू चिंटू प्यारे प्यारे questions हैं जो आपको करने हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ आते हैं अच्छा ये थोड़ा आगे पीछे हो गया पहले वो दे दिया फिर ये दे दिया चलिए कोई बात नहीं सो एन एच टर्म का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ए आर की पावर एन माइनस वन ठीक है अगर हम बात करें आर एथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट जीपी एक जीपी दी हुई है जिसका पहला टर्म है ए दूसरा टर्म है ए आर तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर चौथा टर्म है ए आर क्यूब पांचवा टर्म है ए आर की पावर फोर इस तरीके से होगा अब देखो यहां से हम लोग जनरल टर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन रेशियो है आर मतलब सक्सीडिंग अपॉन प्रिसीडिंग करोगे तो क्या आएगा आर ठीक तो देखो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है ए आर की पावर जीरो लिख सकते हैं आर की पावर जीरो इज वन सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है ए आर की पावर वन थर्ड टर्म में क्या आ रहा है ए आर की पावर टू फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है ए आर की पावर थ्री फिफ्थ टर्म में क्या आ रहा है ए आर की पावर फोर तो एनेथ टर्म में क्या आएगा गलत एन एथ टर्म में आएगा ए आर की पावर एन माइनस वन मैथ्स में वही अच्छा होता है जो पैटर्न को समझ पाए जो पैटर्न को समझ लेता है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है और हर काम में अच्छा है कोडिंग में भी बहुत अच्छा होगा विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छा होगा पैटर्न समझने की जरूरत है पैटर्न देखिए पैटर्न क्या कह रहा है फर्स्ट टर्म में आर की पावर क्या है जीरो सेकेंड टर्म में आर की पावर वन थर्ड में आर की पावर टू फोर्थ में आर की पावर थ्री मतलब हर टर्म में आर की पावर एक कम है तो एन एथ टर्म में आर की पावर क्या हो जाएगी एन माइनस वन लग रहा है तुम्हारी तो तबियत सही करनी पड़ेगी एन माइनस वन ठीक है तो ये बेसिक सा आइडिया है और इसी आइडिया से हमने एक जनरल टर्म निकाला जी का ठीक है तो इस फॉर्मूले से ही आया अच्छा अगर आपसे कह रहा है कि पीछे से पांचवा या छठा टर्म बताइए जैसे एपी में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज तो हम क्या करते थे पूरी सीरीज को उल्टा कर देते थे याद है जो लास्ट टर्म होता था उसको क्या मान लेते थे फर्स्ट टर्म मान लेते थे ठीक है याद होगा तो अब देखो अगर हमको एक सीरीज दी है कुछ इस तरीके से जिसमें पहला टर्म है ए दूसरा टर्म है ए आर ए आर स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म है लेट से एल अब आपसे यहां पे कह रहा है पीछे से चौथा टर्म निकालो या पांचवा टर्म निकालो ठीक पीछे से चौथा या पांचवा टर्म निकालो तो इसके लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कंसेप्चुअल समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को तो बातें क्लियर हो जाएंगी अब अगर पीछे से चलने के लिए, के लिए कह रहा है तो पीछे से सबसे पहले हमको कौन मिलेगा एल तो ए किसके बराबर एल के बराबर ए इज द फर्स्ट टर्म सो पीछे से जो फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली यहां से लास्ट टर्म है पीछे से फर्स्ट टर्म हो गया तो ए आर की पावर एन माइनस वन फॉर्मूला होता है तो यहां पे हो जाएगा एल आर आर क्या होता है कॉमन रेशियो अब समझो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो सक्सीडिंग टर्म ये है प्रीसीडिंग टर्म ये है बोलो हाँ या ना सिमिलरली जब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा सक्सीडिंग हो जाएगा ये हमारा प्रीसीडिंग हो जाएगा क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं ठीक लेकिन जब हम उल्टा कर दें राइट टू लेफ्ट बढ़े पीछे से आगे की तरफ आए तो हमारा सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाइयों और बहनों चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा ठीक तो अगर पीछे से चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सक्सीडिंग टर्म और ये हो जाएगा हमारा प्रीसीडिंग टर्म क्योंकि अब हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं ये पहला है फिर सक्सीडिंग फिर सक्सीडिंग फिर सक्सीडिंग फिर सक्सीडिंग फिर सक्सीडिंग तो उससे पहले वाले सब प्रीसीडिंग ठीक है तो अब यहां पे अगर अपन रेशियो निकाले सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रिस टर्म का तो रेशियो कितना आएगा सक्सीडिंग टर्म है ए और प्रीसीडिंग टर्म है ए बाई तो रेशियो कितना आ जाएगा रेशियो आ जाएगा वन अपॉन आर तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे अगर रेशियो आ रहा है आर तो राइट टू लेफ्ट मूव करने पे रेशियो कितना वन बाई आर लेफ्ट टू राइट मूव करने पे अगर रेशियो आ रहा है के के तो लेफ्ट तो राइट टू लेफ्ट मूव करने पे क्या आएगा वन अपॉन के के ठीक है जीपी तुम समझ नहीं पा रहे हो वन अपॉन के के एक करने लगे वन अपॉन के के ठीक है सो so यहां पे जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा वन अपॉन आर ठीक टू पावर, एन माइनस वन वो तो सेम ही रहेगा ठीक टू दावर एन माइनस वन सो ये जो फॉर्मूला है ये जीपी का फॉर्मूला है आर एथ टर्म फ्रॉम द लास्ट या एन एथ टर्म फ्रॉम द एंड ये फॉर्मूला लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है वैसे फॉर्मूला है लिख भी सकते हैं नहीं तो कॉन्सेप्ट लगाइए आराम से सॉल्व हो जाएगा ठीक है और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ए आर की पावर एन माइनस आर पीछे से जो भी टर्म है उसमें से एन में से माइनस कर दो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है घंटा तुम्हें याद नहीं रहने वाला आज याद करोगे कल भूल जाओगे क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे पढ़े हैं पर याद थोड़ी ना सारे क्यों भाई सही कह रहे <laughs> इसी बात में बता दो ए प्लस का होल क्यूब का फॉर्मूला वेरी गुड सही है याद ठीक है वैसे एक और फॉर्मूला आपने जहन में दबा के रख लीजिए उसका टैटू करा लीजिए उसको याद कर लीजिए सो दिस इज ए आर की पावर एन माइनस आर अगर हम लोग पीछे से पांचवा या छठा टर्म आपसे पूछ रहे हैं तो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी फाइव टेन ट्वेंटी फोर्टी डैश 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 अप टू फाइव वन टू जीरो कौन सा वाला टर्म होगा इस पर्टिकुलर जी पी का तो ये कौन सा वाला टर्म है दसवा टर्म है बीसवा टर्म है एटीएथ टर्म है कौन सा वाला टर्म है ये निकालना यहां से ये कौन सा वाला टर्म है गौर से देखिए इस टर्म को हा हा चलिए ये कैसे निकालेंगे कि भाई 5120 कौन सा वाला टर्म है तो देखिए सबसे पहले किसी भी सीरीज को निकालने के लिए जैसे एपी में तीन चीजें होती थी क्या क्या होता था एपी में एपी में होता था ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस एंड एन नंबर नंबर ऑफ टर्म राइट यहां पे भी वही चीज है तीन चीजें हैं ए डी की जगह आर बाकी एन सेम बस वहां डी कॉमन रेशियो और यहां पे कॉमन रेशियो आर वहां पे कॉमन डिफरेंस डी बस ये फर्क है ठीक तो अब सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई कर ले ए ए क्या है भाई यहां पे फाइव रेशियो कॉमन रेशियो कितना है टू कैसे टेन बाई फाइव टू ट्वेंटी बाई टेन टू फोर्टी बाई ट्वेंटी टू तो कॉमन रेशियो कितना है टू ठीक अब फाइव वन टू जीरो कौन सा वाला टर्म है ये हमें नहीं पता ये निकालना है तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट फाइव वन टू जीरो इज द एन टर्म कौन सा टर्म एनएथ टर्म एनएथ टर्म मतलब दसवा भी हो सकता है बीसवा भी हो सकता है ग्यारहवां भी हो सकता है कोई भी हो सकता है nth टर्म अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो यहां से तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस वन एंड इफ फाइव वन टू जीरो इज द एनएथ टर्म तो एन एथ टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं फाइव वन टू ज़ीरो अब आ जाओ मैदान में ठीक तो इसको फाइव से सबसे पहले ये इधर फाइव को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा फाइव वन टू जीरो डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू 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 दार एन माइनस वन ठीक है अब इसको अगर फाइव से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये फाइव से कैंसिल करने पे फाइव टेन टाइम्स ज़ीरो फोर यही आ जाएगा एक हज़ार चार आ जाएगा हाँ या ना एक हजार चार आएगा कि नहीं भाई फाइव टेन फिफ्टी फिर वन कैरी फॉरवर्ड टू वन जीरो टू फोर हाँ टू फोर आएगा टू टाइम्स वन जीरो टू फोर करेक्ट वन जीरो टू फोर ठीक अब वन जीरो टू फोर को टू टू दी पार समथिंग में ब्रेक करना है 1024 को तू 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 दी पार समथिंग में ब्रेक करना है ठीक अब कैसे ब्रेक कर सकते हो भाई वन जीरो टू फोर को फैक्टर्स में निकाल लो तो अगर फोर फोर के फैक्टर्स निकाले तो फोर टू जर एट ट्वेंटी टू फोर फाइव ट्वेंटी फोर सिक्स फोर से करेंगे तो कितना आ फोर सिक्सटीन फोर 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 वन ठीक तो फोर से क्यों किया सर टू से क्यों नहीं किया क्योंकि फोर से हो रहा था और फोर को भी हम टू के टर्म्स में लिख सकते हैं ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं ये है टू की पावर टू तो कितने टू हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस टू टू पावर टेन सो ये हो जाएगा टू टू दू टू टू दिन माइनस वन तो यहाँ से जब बेस सेम हो गए तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं पावर्स को तो यहाँ से आ जाएगा टेन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन तो एन की वैल्यू कितनी आ गई इलेवन सो दैट मीन्स फाइव वन टू जीरो इज द इलेवेंथ टर्म ऑफ दिस पर्टिक्यूलर सीरीज इज दिस क्लियर टूच एंड एवरी वन ऑफ यू लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सो द्वेश जी पी आर दिस फोर्थ टर्म दिया है टेन के बराबर सेवेंथ टर्म दिया है एट्टी के बराबर लास्ट टर्म दिया है लास्ट टर्म आई हमको पता नहीं है या एनएथ टर्म बोल देते इसको एनएथ टर्म एन एथ टर्म दिया है टू फाइव सिक्स जीरो के बराबर ठीक कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जी पी फर्स्ट टर्म निकालिए और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जीपी में ये निकालिए चलो ये करके दिखाओ इसको पहले आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं सो so, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे समझने वाली बात है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक इक्वेशन बनाएंगे सो ए फोर ए फोर का मतलब हो गया देखिए अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं पता फर्स्ट टर्म नहीं पता लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर तो कॉमन रेशियो को आर के बराबर ले लेते हैं फर्स्ट टर्म को ए के बराबर ले लेते हैं तो फोर्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा ए आर की पावर थ्री एंड ए आर की पावर थ्री किसके बराबर है टेन के बराबर है सिमिलरली सेवेंथ टर्म जो है वो क्या हो जाएगा ए आर की पावर सिक्स किसके बराबर है एट्टी के बराबर है ठीक इसको ले लेते हैं लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन और इसको ले लेते हैं से सेकंड इक्वेशन अब ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू तो इसके लिए क्या कर सकते हैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए ठीक है तो सेकेंड इक्वेजन डिवाइडेड बाय द फर्स्ट इक्वेजन तो ये हो जाएगा ए आर टू दी पार सिक्स एल एच एस एल एच एस से डिवाइड होगा अपॉन ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू एट्टी अपॉन टेन ए से ए कैंसिल हो गया आर क्यूब से कितना आ जाएगा थ्री और ये टेन से कैंसिल हो गया कितना आ गया एट तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई एट तो आर की वैल्यू कितनी आ गई टू द वैल्यू ऑफ आर एस टू आर की वैल्यू पता चल गई